यमुनानगर पहुंची कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुमारी सैलजा ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की केंद्र और प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैलजा ने कहा कि हर योजना के नाम पर जनता से धोखा किया, महंगाई चरम सीमा पर है, अर्थव्यवस्था तहस नहस हो चुकी है, वहीं प्रदेश सरकार में छोटे से लेकर बड़े घोटाले हर रोज हो रहे हैं। किसान 104 दिनों से आंदोलन पर बैठे हैं, लेकिन सरकार मदमस्त होकर सोई हुई है। वहीं उन्होंने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव से हम प्रदेश की बदहाली और सभी मुद्दों को सामने लाएंगे। वहीं किसान आंदोलन में किसानों की मौत पर कांग्रेस पर उकसाने की बात पर सैलजा ने कहा कि ये इसकी नाकामी, कमजोरी और बचकाना बातें हैं। अब देख लीजिए कि ये सरकार जैसे जुमले देकर सत्ता में आए, महिलाओं से हम पूछ लें या किसी भी घर से आप पूछ लीजिए, उज्ज्वला के नाम पर इन्होंने कितना बड़ा धोखा किया, बहनों को क्या कहा और आज LPG का क्या हाल है। चाहे मार्केट प्राइस आप देख लीजिए, दिन पर दिन बढ़ती जा रही, सब्सिडी की बात करें तो वो ख़त्म होती जा रही है, पेट्रोल डीजल की कीमतें जबकि अंतर्राष्ट्रीय बाजार ऐसी कीमत वहाँ पर नहीं है, लेकिन हमारे देश में कीमतें आसमान को छू रही हैं। और जब पेट्रोल डीजल बढ़ेगा तो महंगाई अपने आप से बढ़ेगी। इसके अलावा आप देख रहे हैं देश के प्रदेश के हालात, हमारी अर्थव्यवस्था बिल्कुल तहस नहस हो गई है। सरकार का ऐसे लगता है कि कोई कंट्रोल ही नहीं किसी भी चीज़ पर, किसी भी बात पर। चाहे कृषि की हम बात करें, तीनों काले कानून लेकर आए, स्थिति इनसे बेकाबू होती जा रही है। किसान मजदूर की कोई सुध लेने वाला नहीं है। 104 दिन हो गए हैं किसान अपने आंदोलन पर। ऐसा लगता है कि ये सरकार मदमस्त होकर सोई हुई। देश से कोई परवाह नहीं, चुनाव आता है, अलग अलग तरह की बातें कर कर, बंटवारे की राजनीति करके सत्ता में आ जाते हैं और फिर लोगों से कोई वास्ता नहीं रखते। आज के दिन भी अगर कोई बात होती है, इस तरह के इतने बड़े बड़े मुद्दे आते हैं, ये सरकार आंख मीच कर कान बंद करके सो जाती है। आम आदमी की जो दुर्गति है उससे इनका कोई लेना देना नहीं है। हमारे राज्य में आप देखिए क्राइम कितना बढ़ता जा रहा है। गरीब आदमी, आम आदमी, मिडिल क्लास को भी आप ले लीजिए, आज इतनी ज़्यादा दिक्कतों से गुजर रहे हैं सभी, लेकिन ये सरकार किसी को कोई राहत नहीं दे रही। अब इनकी इस तरह की बात करना, आप मुझे बता दीजिए कि किसी भी सरकार के कोई सीनियर लोग हों, ऐसी बात करें, मुझे आप बताइए कि किसी की जान इस आंदोलन के दौरान, उनकी सेहत बिगड़ती है, क्या होता है, एक भी शब्द सहानुभूति का नहीं दिखा पाए। माननीय प्रधानमंत्री जी आज तक इनके बारे में नहीं बोले। अब इस तरह की बात अगर करें, कांग्रेस के ऊपर ऐसी बात थोपें, तो इसमें तो साफ इनकी कमज़ोरी नज़र आती है, इनकी नाकामियां नज़र आती हैं और इनके जो अपने आप बचने की बचकाना बातें जो ये करते हैं वही नज़र आती। और फिर आप ये भी देखते हैं कि इनके कोई दिल नहीं है, किसी के दर्द को ये समझ नहीं सकते हैं, ना इन्होंने समझना है दूसरे के सिर पर ठीकरा फोड़ने की। इनकी पहले चहेते थे, पहले पूरे चहेते थे इनके, तब तो सब कुछ उन्हें मिलता था। अब उन्होंने कुछ पर्दाफाश किया लगता है तो अब उन्हें गिरफ्तार कर रहे हैं। तो ये असली बात अब वो बोलें, बताएं क्या बातें। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आ रही है इसी मकसद से कि लोग ये देखें कि सदन में भी हम उनकी बात को उठा रहे हैं का इसके माध्यम से। दूसरी ओर सरकार की असलियत सामने आनी चाहिए और साथ में बहुत से विधायक ऐसे हैं जो दबी जबान में कुछ और बात कहते हैं, बाहर निकलकर कुछ और कहते हैं, कुछ अपने पदों से इस्तीफे दे रहे, तो अब ये मौका है उनके पास कि असलियत सामने आए और ये बता दें कि वो किसके साथ खड़े हैं। क्या किसान मजदूर के, आम नागरिक के साथ खड़े हैं,
या सरकार की गलत नीतियों के साथ खड़े हैं, ये बात साफ होनी चाहिए। अब देख लीजिए कि जिन्होंने ये सब बातें कही, आज वही लोग हैं जो इनके बारे में जवाब नहीं दे पा रहे हैं, वही लोग हैं जो पर्दे पर पर्दा डालते हैं, वही लोग हैं जो जनता को गुमराह करते हैं, कभी कहते हैं SIT, कभी कहते हैं SET, कभी कुछ और इंक्वायरी, कभी कुछ। मुझे ये बता दीजिए, आज तक किसी भी इंक्वायरी को क्या अंजाम मिला? क्या लोगों के सामने असलियत आई? कुछ लोगों को जिनके खिलाफ अगर इन्होंने छोटे लेवल पर कार्रवाई की, उनको साथ में बहाली कर दिया, तो आप असलियत कैसे उम्मीद करते हैं? इतना घोटाला, ये सरकार घोटाले की सरकार साबित हो चुकी है, हर रोज़ नए घोटाले सामने